हेलो क्लास, आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन एंड प्लांट। तो न्यूट्रिशन एंड प्लांट का मीनिंग क्या होता है? तो जैसे कि न्यूट्रिशन एंड प्लांट का मीनिंग होता है पौधों में पोषण, यानी पौधों में पोषण कैसे जाता है और कैसे उनको प्राप्त होता है, तो इसी के बारे में आज हम टॉपिक देखते हैं। तो यूनिट वन आपकी फूड के ऊपर रिलेटेड है। तो इसमें देखो, सबसे पहले थिंग्स टू लर्न, हमें क्या क्या पढ़ना है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन, यानी तरीके जो न्यूट्रिशन के होते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का मतलब है ऐसे न्यूट्रिशन जो कि हमें पौधों के अंदर, जो ऑटोट्रॉफिक का मतलब ही होता है जो स्वपोषी, यानी जो अपने आप का पोषण खुद करते हैं, ऐसे पौधों के बारे में बोला हुआ है। और हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इन प्लांट, ऐसे जो दूसरे पौधों के ऊपर, यानी दूसरे पौधों पर निर्भर रह के जो अपने अंदर पोषण का भरण करते हैं वो हेटरोट्रॉफिक कहलाते हैं। एंड रिप्लेनिशमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल, रिप्लेनिशमेंट न्यूट्रिशन इन द सॉइल का मीनिंग होता है कि ये न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, यानी सॉइल के अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिप्लेनिश, यानी दोबारा से सुधार करना, और जो न्यूट्रिएंट्स की कमी हो गई है उनका भरण पोषण करना। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास मोड ऑफ न्यूट्रिशन। The process of taking food and its utilization by the body is called nutrition. तो इसमें बताया हुआ है कि ऐसी process जिसमें food को body के द्वारा लिया जाता है अंदर use करने के लिए, और उसको हम nutrition बोलते हैं, यानी भोजन की मात्रा को हमारी शरीर के अंदर बढ़ाने के लिए, शरीर को बढ़ाने के लिए, शरीर के काम करने की योग्यता को बढ़ाने के लिए ली जाती है, उस प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोलते हैं। एंड देयर आर टू मोड्स, यहाँ पे दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं। तो फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक का मीन होता है स्वपोषी, ऐसे जीव जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और अपना भोजन खुद बनाने के बाद अपने अंदर न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं और उन्हें ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। जैसे कि The mode of nutrition which an organisms make its food is called own food autotrophic nutrition. ऐसे मोड, ऐसा तरीका जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो autotrophic nutrition कहलाते हैं। और ये method, यानी ये method जो भी follow करता है उन जानवरों को या उन जीवों को हम autotrophs के नाम से जानते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, एंड ट्रॉप्स का मतलब होता है न्यूट्रिशन। फिर ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो ऑटोट्रॉप्स, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो भी ऑटोट्रॉप्स कहलाते हैं। तो सेकेंड टॉपिक है आपका हेटरोट्रॉफिक। हेटरोट्रॉफिक का मीनिंग क्या होता है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिजम्स डज नॉट मेक इट्स फूड बाय इट्स ओन बट डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड रिक्वायरमेंट इज कॉल्ड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। यानी ऐसा तरीका जिसके अंदर पोषण की प्राप्ति के लिए ऑर्गेनिजम्स जो है खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं बल्कि दूसरों के ऊपर निर्भर रहते हैं जिससे कि वे अपने अंदर पोषण की मात्रा को पूरा कर सकें। हेटरो का मतलब होता है अदर, एंड ट्रॉफ का मतलब होता है न्यूट्रिशन। हेटरो यानी दूसरों के ऊपर, न्यूट्रिशन यानी पोषण। फिर उसके बाद द ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर हेटरोट्रॉप्स। ऐसा मेथड जो भी फॉलो करते हैं उन वो हेटरोट्रॉप्स कहलाते हैं। फिर देन एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग्स आर हेटरोट्रॉफ। जितने भी जानवर हैं वे सभी और मानव जाति है वे सभी के सभी हेटरोट्रॉप्स होते हैं जो कि अपने एक दूसरे के अपने पोषण को, यानी अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए और अपने अंदर न्यूट्रिशन को बनाने के लिए दूसरे पौधों और दूसरे जानवरों पर निर्भर रहती हैं। तो बेटा आज के लिए आपका टॉपिक यहीं समाप्त होता है। फिर नेक्स्ट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।